कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई निंदनीय दर्दनाक हत्या के आक्रोश में जहां पूरे देश में नाराजगी जताई जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित मैत्री डेंटल कॉलेज में भी प्रदर्शन किया गया और मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्ती लेकर देश की सरकार से न्याय की गुहार लगाई। दुर्ग के अंजोरा स्थित मैत्री डेंटल कॉलेज में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसको लेकर जमकर आक्रोश जताया जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे देश भर में न्याय की मांग लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैत्री डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में एकजुट होते हुए अपने हाथों में देश की सरकार से जस्टिस की मांग करती नजर आई और जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में बुधवार सुबह दिल्ली से सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू की। जॉइंट डायरेक्टर आईजी लेवल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मेडिकल टीम भी शामिल रही। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में कॉलेज की छात्र छात्राओं ने देश की सरकार से न्याय की मांग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सब जब 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था देश में, तो सबने ने ये आवाज़ उठा दिया था कि वो रात को घूमती है लड़के के साथ ही। पर आज क्या उठाओगे? आज वो सेफ प्लेस पे थी, हॉस्पिटल में थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी। 80% अब लड़की घर की महिला आज ड्यूटी कर रही है, वो एक अप्रॉन में थी। अगर तुम दरिंदो ऐसे कर रहे हो, तो कम से कम तुम कल अपने माँ बहने को ले जाके उसी डॉक्टर से दिखाते हो। आज तुम उस जगह पे गए वो करने, तुम दरिंदों को इतना भी नहीं लगा कि तुम्हारी बहन के रूप में वो बड़का भी तुम दुर्गा पूजा में जाके पूजा करते हो। और तुमने उस रात को तुम्हारी कैसी मानसिकता हो गई वो करने के लिए? एक नई न्यूज़ से हमें पता चला, हम उस फील कर सकते हो वो चीज़ को कि उस पर क्या बीती होगी जब 2:30 बज के जब उसने वो चीख मारी होगी। क्या हम सोच सकते हैं, हम लड़कियां महसूस कर सकते हैं? मुझे सरकार से यही निवेदन है कि कोई भी कानून लेके आओ, पर हमारे लिए कानून लाओ, हम लड़कियों के लिए। हम 80% महिलाएं घर से बाहर हैं, अपने फैमिली से दूर हैं, रेप के लिए नहीं बने हैं, हम काम करने के लिए बने। हम सोसाइटी में आए हैं तो हमें जस्टिस चाहिए। हमें बहुत अनसेफ, क्योंकि मेडिकल में ऐसी घटनाएं, हमारे फैमिली, हमारी सोसाइटी में सबसे नोबल प्रोफेशन का दर्जा हमारे दिया गया है। अगर हमें ऐसी घटनाएं अगर हमारे साथ मिलेगी, तो हमें नहीं चाहिए ऐसी जॉब और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम खुद सोसाइटी में सेवा करने के लिए आए हैं, और सोसाइटी जब हम पे ऐसे लक्षण लगाए, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि कानून, जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें बनी है, जो वेस्ट बंगाल में सरकारें बनी है, उन्हें आगे आने चाहिए और हमारे लिए कम से कम एक कानून बनाना चाहिए, ताकि हम उस कानून से लड़ सके। और मुझे मोदी जी से यही अपील है कि आप माताएं और बहनें कहते हैं, तो प्लीज़ आपकी माताएं और बहनें आज आपसे गुहार लगा रही है, आप कुछ कीजिए। उस केयर मेडिकल कॉलेज, सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, और जब ऐसे घटनाएं आएंगी, कल हो के एम्स दिल्ली का घटना आएगा, कल हो के कहीं कहीं बड़े बड़े पीजीआई का घटना, हम क्या करेंगे? जब हम वहीं सेफ नहीं है, तो हम अदर लोग से हम क्या कामना कर सकते? हमें चाहते हैं कि हमें 24 आवर्स, हमें हमारे साथ एक सेफ्टी गार्ड हमें रहे। हम अगर कहीं भी अकेले चले, हमें तो हमें वो हेल्पलाइन नंबर चाहिए। हम अगर रात को भी चले, ड्यूटी में चले, कहीं भी चले, तो हम पे अगर कुछ भी अगर मिसबिहेव कोई कर रहा है, तो हम उस समय कोई भी वहाँ का पुलिस और पुलिस से एक्शन ज़रूर ले। बहनों के साथ रेप हुआ है अभी, उस वजह से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि सरकार को आवाज़ है कि हम कुछ करना चाहिए इस रेप। कोई मामूली 4 वर्ड का बात है, लेकिन कितना बड़ा लड़की के साथ हादसा हुआ है। मेरी छोटी बहन है, वो फेस करती है, पूछेगी बड़े होकर भैया मैं कॉलेज जाऊँ कि नहीं, क्या बोलूँगा उसको? मत जाओ, क्योंकि रेप हो रहा है वहाँ पे। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे, ताकि सरकार को समझ में आए कि कुछ रेप कुछ छोटा बात नहीं है। लड़की लोग बहुत सारा प्रॉब्लम झेल के कॉलेज आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, ये सब झेलने के लिए नहीं आते वो लोग।
Whatever has happened, it should not be happened in any of the workplaces, not only in hospitals. The workplaces are almost considered as a second home where people work from morning till night, and it should be the most safest place on earth after our own homes. So happening such a heinous crime in a workplace is no political parties, no color should be involved in it. People should, whoever is responsible for it should be almost executed. Capital punishment is required for this sort of crime. And everyone should protest, not only the doctors, the whole world should stand together and protest for such a heinous crime which has occurred almost in the workplace of a doctor. RG Corps Medical College Kolkata mein jo hamare fraternity ke member hai Dr. Mohamita Devnath, wo second year post graduate trainee the chest medicine specialty mein, to unke sath jo bhi incident hua 21st century mein rehke ye sirf ek rape nahi, ek ब्रूटल मर्डर कहेंगे, ठीक है, ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं, किसी के साथ क्यों होगा रेप? हम लोग इतने साल पढ़ाई करने के बाद सबके सेवा के लिए हम लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसके बाद अगर इतना निंदनीय घटना पूरे विश्व में आज फैल गया है, अभी हमारे देश के लिए कितना बड़ा खराब चीज़ है कि एक डॉक्टर जो पूरा दिन शी वॉज ऑन ड्यूटी 36 hours 36 घंटा शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी, उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, इतना बड़ा घटना घटे तो क्या होगा? हम लोग सब यहाँ के मैत्री के जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट फैकल्टी मेंबर्स सब चाहते हैं इमीडिएट एक्शन हो, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए बिना पॉलिटिकल पार्टी देखे हुए, कौन बीजेपी है कौन टीएमसी है, जो भी वर्डिक्स है उनको इमीडिएट एग्जीक्यूशन किया जाए, इमीडिएट हैंगिंग किया जाए, ताकि कोई हिम्मत ना करे किसी लड़की को टच करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली से दूर इतने साल पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर बनता है, एक डॉक्टर 100 से भी ज़्यादा लोगों को सेवा देता है, और आप एक पीजीटी एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं, किसी भी, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, समाज के किसी भी प्रोफेशन से चाहे कोई लेडी बिलोंग करे, वो हमारे आज जो घटना मौमिता देवनाथ के साथ हुआ है, कल मेरे घर के मेरी सिस्टर के साथ भी तो यही हो सकता है, सो वी ऑल स्टैंड टुगेदर विद हर फैमिली एंड वी वांट जस्टिस, और इमीडिएटली बिना पॉलिटिकल पार्टी देखे हुए जिसने भी जो भी आरोपी है सबका एग्जीक्यूशन हो, ताकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे कि हाँ रेपिस जो है वो बच नहीं सकता, उसका हैंगिंग है, और जो जस्टिस डिले किया जाएगा वो जस्टिस डिनाइड के बराबर ही है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हर एक लड़की के मन में जो डर बैठ गया है, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत पहले से ही हो रहा है, आज पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट हो पाते हैं जो नहीं हो पाते हैं, आज रेप के साथ मर्डर हुआ तो ये हाईलाइट हुआ, आज डॉक्टर के साथ हुआ तो हाईलाइट हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ रात को उनको काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी उनको नहीं मिलता है, राइट। अभी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, पॉलिटिकल जो लीडर्स के वजह से या जो भी रीज़न है जिस वजह से वो उसको शेड कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आज पुलिस हो पॉलिटिक्स हो हर एक चीज़ को आप एक साथ जोड़ के उन लोगों को तो हम लोग को बचाना चाहिए ना। अब वही लोग अगर हमको उठा देंगे कि भाई लो यू विल बी रेप्ड एवरी डे, हर जगह पे रेप हो रहा है ना, मैरिटल रेप्स भी होते हैं ना, फिर भी वो चीज़ें भी तो आज कहीं पर भी नोटिस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का एक ही डिमांड है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिए हम लोग सेफ फील कर सके। हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग इतना दूर सही में, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि हम लोग बहुत दूर से आते हैं, घर बार छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं काम करने के लिए, 36 hours इज़ नॉट अ ब्रीफ टाइम वर्क करने के लिए, कोई इंसान थक सकता है, उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। सरकार को कड़े कानून लाने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दोषी को ढूंढ के उसको लटकाने से कुछ नहीं होगा, पुराने टाइम पे जैसे पनिशमेंट्स दिए जाते थे वैसे होना चाहिए कि गरम जो कॉपर वेसल्स आते थे उसमें कीजिए जितना आप टॉर्चर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई लड़का वो सोचने से पहले सोचे कि अगर किसी ने ना बोल दिया तो वो ना है, उसके आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हमारे देश में ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अत्याचार बहुत गलत है, वी वांट जस्टिस। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।